हेलो एंड वेलकम एवरीवन वन जहाँ पे हम सालो करने वाले हैं आज आन किलिंग ए ट्री पोएम के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट अबाउट द पॉयम आपका जो यहाँ पे पोर्शन है इसके क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री वाई नॉट क्या एक सिंपल जब आप नाइफ से एक पेड़ को काटने की कोशिश करते मारते हैं तो क्या उससे एक पेड़ खत्म मर सकता है क्यों नहीं नो ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ के नॉट किल ए ट्री नहीं एक सिंपल जैब नाइफ़ का जो है ट्री को किल नहीं कर सकता बिकॉज द ट्री ग्रोज ग्रोज विद ए लॉट ऑफ न्यूट्रंस एंड रिसोर्स क्योंकि जो ट्री होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रंस एंड रिसोर्स के बाद ग्रो होता है इवन इफ वन कट्स इट विल स्प्राउट अगेन अगर कोई इसको काटेगा भी तब भी फिर से जो है ये फिर से वहां से इसकी शाहें निकलती हैं दूसरा है क्वेश्चन आपका हाउ वाज द ट्री ग्रोवन टू इट्स फुल साइज ट्री जो है इसके फुल साइज का कैसे ग्रो होता है लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आप उन वर्ड्स को जहाँ पे लिस्ट करिए जो सजेस्ट करते हैं इसकी लाइफ एंड एक्टिविटी को द ट्री हैज़ ग्रोवन टू इट्स फुल साइज बाई कंज्यूमिंग द अर्थ फीडिंग अपान इट्स क्रस्ट ट्री जो होता है फुल साइज का ग्रो होता है बाई कंजूमिंग अर्थ फीडिंग अपान इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग जी ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर दर्ड्सिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर एब्जॉर्बिंग फीडिंग कंज्यूमिंग स्प्राउडिंग ठीक है ना ये शो करते हैं कि ये जो है लाइफ का इसके अंदर एंड एक्टिविटी ये कर रहा है वट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है वाट मेक्स इट ब्लीड किस चीज़ से जो है पेड़ ब्लीड होते हैं द ब्लीडिंग भाग इंडिकेट्स द आइडिया दैट द ट्री हैज़ बीन कट ब्लीडिंग भाग जो आइडिया है जो इंडिकेट करता है कि ट्री जो है कट लगा है इसको काटा गया है जस्ट लाइक ह्यूमन्स ब्लीड ब्लड वेन दे गार्ड वूडन जिस तरह से इंसानों को जब जख्म लगता है और उनका खून निकलता है वैसे ही पेड़ को जो है जहाँ पे काटा लगा हुआ है ट्रीज़ रिलीज ए लिक्विड एट द प्लेस वेयर दे आर कट ट्रीज़ उस जगह से एक लिक्व रिलीज करते हैं सैप रिलीज कर करते हैं रस रिलीज करते हैं जब उनको काटा जाता है जिस जगह से वो काटे जाते हैं सो द ट्रीज़ ब्लीड्स इसलिए जो ट्रीज होते हैं हम कहते हैं कि वो ब्लीड करते हैं द पॉइंट सेज नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टन्जा वॉट डज ही मीन वाई दिस पॉइंट जो है कहता है नो इन द बिगनिंग ऑफ़ थर्ड स्टन्जा थर्ड स्टन्जा की बिगनिंग में वो नो no कहता है तो इसका क्या मतलब कहता है द पॉइंट सीज नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड सन्टानसा पॉइंट जो है नहीं कहता है इन द बिगनिंग ऑफ थर्डेंसा इटोसाइज दैट ऑनली कटिंग द ट्री विल नॉट सीज इट्स एग्जिस्टेंस ये बताता है हमें कि सिर्फ जो कटिंग और चॉपिंग है ट्री की वो इसकी एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं करता वट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ क्यू एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ क्यू का क्या मतलब है द एंकरिंग अर्थ मीन्स द अर्थ दैट द अर्थ वर्क्स एज एन एंकर टू प्रोटेक्ट द ट्री एंड सेवज इट फ्राम गैटिंग अप्रूटेड के जो एंकरिंग अर्थ का मतलब है कि अर्थ जो है एक एंकर का काम करती है जो ट्री को पकड़ के रखती है अपने साथ ताकि अपरूट ना हो अर्थ क्यों एम्प्लाई करता है द डेप्थ ऑफ द मदर अर्थ वेयर द ट्री स्प्रेड्स इट्स रूट्स एंड गैट्स नर्च तो यहाँ पर ये वो डेप्थ शो करता है जिसके अंदर एक ट्री का जो है लगा हुआ होता है

एक पेड़ को कौन किल करता है वेन द ट्री इज़ pulled आउट along विद its root, जब एक पेड़ को खींचा जाता है उसकी जड़ों के साथ एंड सपरेटेड फ्राम मदरार्थ और इसको मदरार्थ से अलग किया जाता है वन हैज टू वन हैज टू सब्जेक्ट इट टू scorching सन एंड लेट इट विदर ठीक है तब इसको जो धूप पड़ती है वो इसको विदर करती है दिस विल फाइनली किल द ट्री एंड फाइनली इसकी वजह से जो ट्री होता है वो डेड हो जाता है इसके साथ ही हमारी पॉइंट कैसे जो एक्सरसाइज का पोर्शन था ख़त्म हो जाता है अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे